बच्चों शुरू करते हैं इस लेक्चर में, इस वीडियो में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम बेसिक्स है, ठीक है। शुरू से एकदम चलेंगे, सारा बेसिक देखते हुए चलेंगे, ठीक है। बीच बीच में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जेई मेन के हो चाहे नीट के हो, वो पूरा देखते चलेंगे, ठीक है। आओ, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइए कहते क्या है। एक इसकी सिस्टमाइज अगर आप देखें डेफिनेशन, तो कार्बन, कार्बन होता है बेटा मेन एलिमेंट, कार्बन इज द मेन एलिमेंट, ठीक है। इसके साथ में कुछ साइड एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप वीडियो जब भी देखिए साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है, वरना कोई मतलब नहीं है सिर्फ देखने से, ठीक। आइए, तो कार्बन मेन एलिमेंट और साइड एलिमेंट में कुछ नॉन मेटल्स मौजूद होते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। कौन से नॉन मेटल होते हैं, ध्यान रहे, नॉन मेटल होंगे, ठीक है। कौन से मेन होता है इसमें, साइड में भी एक मेन होता है हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन्स। हैलोजन्स को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं जनरली? एक्स, ठीक है। एक्स हो गया आपका FClBr और आई, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जनरली ये साइड एलिमेंट होते हैं कार्बन के साथ, ठीक। आइए, तो ये हो गया एक आपका ऑर्गेनाइज्ड डेफिनेशन, क्या कि ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड, ध्यान दीजिएगा, ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जिनमें कार्बन हो मेन एलिमेंट और साइड एलिमेंट इनमें से कोई भी हो या सारे हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोवेलेंट कंपाउंड, यहां पे एक बात आई, क्या होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड? ऐसे सारे कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाए। अब एक और बात आ गई, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड कुछ नहीं बेटा, ऐसा बॉन्ड जो दो नॉन मेटल्स के बीच में बनता है। उम्मीद है आपको नॉन मेटल पहचानने आता होगा, पी ब्लॉक में केवल पाया जाता है नॉन मेटल, वो भी आधे, ठीक है। चलिए, तो दो नॉन मेटल के बीच में बना हुआ बॉन्ड कहलाता है बेटा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें भी होगा, जिस भी कंपाउंड में प्योर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उनको आप कह सकते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। और ऐसे कोवेलेंट कंपाउंड जिनमें कार्बन मेन एलिमेंट हो और ये सारे के सारे साइड एलिमेंट हो, ऐसे एक सब्सटेंस या एक कंपाउंड को आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये तो आज की डेफिनेशन है, जिसको आज की डेट में आप इसको ऑर्गेनाइज्ड डेफिनेशन कह सकते हैं, ठीक है। चलिए कट करिए, तो बच्चों ये जो डेफिनेशन अभी आपने जो देखी, लिख लेना, ठीक है, सब लिखते चलना, नोट्स बनाते चलना, ठीक है। जो आपने अभी ये डेफिनेशन देखी, ये तो हो गई आपकी ऑर्गेनाइज्ड डेफिनेशन, ठीक। तो एकदम बिगनिंग से बात करते हैं कि क्या होता है। जैसे आप कहते हैं आम बोलचाल में ऑर्गेनिक, व्हाट इज ऑर्गेनिक? तो ऑर्गेनिक ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो नेचुरल हो, डिकम्पोज हो सकता हो, आम बोलचाल में कह सकते हैं कि जो नेचुरल हो और जो डिकम्पोज हो सकता हो उसको आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक, ठीक है। लेकिन बेस्ट डेफिनेशन तो अभी आपने लिख ली, ठीक है। तो ऑर्गेनिक हो क्या होता है, नेचुरल होता है, डिकम्पोज हो सकता है, ठीक। अच्छा, सबसे पहले अगर बात करिएगा आपके एनसीईआरटी में, देखो बेटा सारा एग्जाम एनसीईआरटी से ही बन रहा है, तो आप एनसीईआरटी को ही एकदम फोकस में रखेंगे, उसी को पढ़ेंगे, ठीक है। आइए, तो एनसीईआरटी में आप देखिएगा तो चार साइंटिस्ट के कुछ नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले हैं आपके बर्जीलियस, बर्जीलियस, ठीक है, सीक्वेंस में याद रखना, पहले कौन? बर्जीलियस, ठीक। दूसरे आपके आए वोलर, तीसरे हैं बच्चों कोलवे, और फोर्थ हैं बर्थोले, बर्थोले, बर्थोले बोलेंगे, लिखेंगे बर्थोलेट, टी लगाएंगे, ठीक है ना, टी साइलेंट होता है। तो ये आपके सीक्वेंस में चार नाम हो गए, बर्जीलियस, वोलर, कोलबे और बर्थोले, ठीक। क्या किया था इन्होंने? इन्होंने बेटा आपने सुना होगा पहले वाइटल फोर्स थ्योरी, कौन सी थ्योरी? वाइटल फोर्स थ्योरी इन्होंने दी थी, ठीक है। इस थ्योरी में इन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया था कि क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे सारे कंपाउंड, ऐसे नेचुरल कंपाउंड जो डिकम्पोज होते हों और तो और उन्हें लिविंग थिंग्स से सिंथेसाइज कर पाएँ। कौन कर पाए? लिविंग थिंग्स सिर्फ सिंथेसाइज कर पाएँ, ऐसे सब्सटेंस को
इन्होंने बर्जीलियस ने क्या कहा कि ये होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, याद रहेगा, याद रखिए इसको। वाइटल फोर्स थियरी इन्होंने दी, पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, आया हुआ है, ठीक है। फिर क्या कहा इन्होंने अपनी थियरी में, मेन पॉइंट थे कि लिविंग थिंग्स जैसे कि आपके प्लांट हो गए, आप लोग हो गए, ठीक है, एनिमल्स हो गए सारे, ठीक। तो ऐसे सारे लिविंग थिंग्स जो भी सिंथेसाइज करते हैं सब्सटेंस बॉडी में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले कौन बताया? बर्जीलियस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा कार्बोहाइड्रेट प्लांट बनाते हैं, ठीक है, यूरिया बॉडी में बनता है आपके, लीवर सिंथेसाइज करता है, बायो वाले बच्चे जानते होंगे बेटर, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, यूरिया हो गया, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल, विटामिन हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे बर्जीलियस के अकॉर्डिंग क्या थे? ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन है? बर्जीलियस, ये सारी बातें उन्होंने कही, ठीक है। इसके बाद आया बेटा वोलर, इन्होंने क्या किया, कर कुछ रहे थे, हो कुछ गया, मतलब इनसे एक्सीडेंटली बन गया था एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, एक्सीडेंटली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड इन्होंने बना दिया था, वो भी किससे? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। किससे बना दिया था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यहां लिख दे रहे हैं NH4CNO, जिसको कहते हैं अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, ठीक है, NH4 पे प्लस और CNO पे आपका माइनस, ये अमोनियम साइनेट, ठीक है। इसमें एक तरह का रीअरेंजमेंट हुआ और इससे बन गया आपका यूरिया, ठीक है। और क्योंकि उस समय तक यूरिया बॉडी में सिंथेसाइज होता था एनिमल बॉडी में, तो इसको बर्जीलियस के अकॉर्डिंग क्या माना गया था? इसको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड माना गया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और ये एक आयनिक कंपाउंड होता है, क्योंकि बेटा इसमें आपको आयंस दिख रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसमें, इसलिए इसको एक आयनिक कंपाउंड माना जाता है, जबकि यहाँ पे ये कोवेलेंट माना जाता है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है क्योंकि बॉडी में सिंथेसाइज होता था उस समय की बात से, ये सही था कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हालांकि आज भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ही आप इसको कंसिडर करते हैं, क्योंकि बॉडी में बनता भी है, साथ में एक कोवेलेंट कंपाउंड भी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये हो गया आपका एक्सीडेंटली इन्होंने बनाया, तो क्या कहेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्या आया है, कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा सिंथेसाइज हुआ? तो कौन सा हुआ? यूरिया, ठीक है, यूरिया हुआ। किसने किया? वोलर ने किया। कैसे किया? एक्सीडेंटली किया, कर कुछ रहे थे, हो कुछ गया, ठीक है, बन गया था, ठीक। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी बर्जीलियस की बात क्या गलत हुई, बर्जीलियस ने कहा था कि केवल और केवल लिविंग थिंग्स इसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, किसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है, जबकि वोलर ने लैब में एक्सीडेंटली ये बना दिया, ठीक है, लैब में बनाया, बॉडी में नहीं, ना प्लांट ना एनिमल, लैब में बनाया। तो बेटा क्योंकि ये लिविंग थिंग्स के बाहर सिंथेसाइज हो गया, तो यहाँ पे थोड़ी सी बात बर्जीलियस की गलत हो गई कि ये केवल लिविंग बींग्स में ही सिंथेसाइज होता है। तो आप क्या कह सकते हैं? लिविंग्स में भी हो सकता है और नॉन लिविंग में भी, या लैब में भी आप इसे बना सकते हैं, ठीक है भाई, इतना क्लियर है। जब भी लिखेंगे पूरा सीक्वेंस में लिखेंगे, ये साथ में हमेशा वोलर के साथ में ये इक्वेशन रहेगी, ठीक है। चलिए आगे आते हैं कोलबे पे, कोलबे की बात देखिए, कोलबे ने बनाया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है, किससे बनाया था इन्होंने? एसिटम से। एसिटिक एसिड नाम रखने का केवल इतना सा मतलब था क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करने बैठे थे लैब में, तो इन्होंने लिया था एसिटम। एसिटम इनके देश में विनेगर को कहा जाता है, सिरका सुने होंगे, ठीक है, तो विनेगर को एसिटम कहा जाता है। तो इन्होंने उससे एक कंपाउंड आइसोलेट किया, क्या किया? सेपरेट आउट किया, आइसोलेट किया, एसिटम से या विनेगर से एक कार्बन का कंपाउंड आइसोलेट किया, उसे नाम दे दिया इन्होंने एसिटिक एसिड, मतलब CH3COOH। तो ये फर्स्ट सेपरेटेड या आइसोलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, किसने किया? कोलबे ने, ठीक है। तो बर्जीलियस ने क्या किया? सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है। इसके बाद वोलर आया, इन्होंने एक्सीडेंटली बना दिया अमोनियम साइनेट से, क्या? यूरिया। इसके बाद आया कोलबे, कोलबे ने आइसोलेट किया विनेगर से, एक एसिड निकाला जिसका नाम रखा एसिटिक एसिड। उसके बाद सबसे बढ़िया काम किया बर्थोले ने, ठीक है, ये अपने सारे स्टडीज एक्सपेरिमेंट्स की बदौलत इन्होंने क्या किया, कार्बन और हाइड्रोजन को, ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे मिला के क्या बना दिया आपका, ये एक मीथेन गैस बना दिया, ठीक है, सक्सेसफुली इसको बना दिए लैब में।
ठीक है, पहले तो मीथेन गैस बनाए, फिर इथेन बनाए, एसिटिलीन बनाए, बहुत सारी गैसेस बनाए, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए, ठीक है। तो बर्थोले ने सबसे पहले कार्बन और हाइड्रोजन यानी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट को लेते हुए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, मीथेन गैस, ठीक है। मीथेन गैस आप जानते हैं, मार्स गैस भी इसे कहते हैं, ठीक है, मार्स गैस, ठीक है भाई। तो मार्स गैस किसने बनाया? बर्थोले ने। चार हैं, चार साइंटिस्ट, एनसीईआरटी में चारों में जितना भी दिया हुआ है चारों के बारे में, सब आपके सामने है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात सीक्वेंस में, ठीक है, बर्जीलियस, वोलर, कोलबे और बर्थोले, ठीक है, बर्जीलियस, वोलर, कोलबे और बर्थोले, ठीक। चलिए इतना हो गया। हाँ तो आइए आगे चलते हैं बच्चों। तो क्योंकि बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आप पढ़ रहे हैं, तो कार्बन के बारे में तो आपको जानना ही जानना है, ठीक है, कार्बन से ही ऑर्गेनिक है पूरा का पूरा, ठीक। तो कार्बन क्या है? कार्बन सबसे पहले नॉन मेटल है। पीरियोडिक टेबल में इसकी पोजीशन क्या है? देखा आपने पीरियोडिक टेबल में इसको, इसकी पोजीशन की बात करेंगे तो ग्रुप नंबर 14th ग्रुप, ठीक है भाई, जिसको आप सब ग्रुप में क्या कहते हैं, फोर्थ ए भी कहते हैं, ठीक। इसके बाद बात करिएगा पीरियड, किस पीरियड में? सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकेंड पीरियड, ठीक है। चलिए इसका एटॉमिक नंबर भी कुछ होगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 एटॉमिक मास, 12, ठीक है भाई। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं से पूछा भी था क्वेश्चन। अब 2020 नहीं, इसी साल देखेंगे 13 सितंबर को जो हुआ एग्ज़ाम, ल्यूटेशियम का, एलियो का, जो आपका एफ ब्लॉक का 6 पीरियड का लास्ट का एलिमेंट है, उसका पूछा था क्या बेटा? पूछा था, सिंबल दे दिया था, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास भी दे दिया था, केवल आपको क्या बताना था, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन। ये 2020 नीट का क्वेश्चन है, सब सामने लिखा था, ठीक है, बस सीक्वेंस मिलाना था। इजी क्वेश्चन था, हड़बड़ा के कई बच्चे गलत किए हैं, वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हड़बड़ी किस बात की है, ठीक है, 3 घंटा मिला है ना। चलिए आइए देखिए, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, ठीक। आइए इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, जितना एटॉमिक नंबर, ठीक, 6। प्रोटॉन कितने होंगे बच्चों? 6, ठीक है। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6, ठीक है। कैसे निकालते हैं न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन देखते हैं आप, एटॉमिक मास में प्रोटॉन को घटा दीजिए, ठीक है, तो कितना बचा? 6, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टोटल आ गया आपके सामने, ठीक है ना। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लिखिएगा ज़रूर कॉपी में, ठीक है। कुछ बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं, ठीक है, लिखेंगे नहीं तो ऑर्गेनिक आएगा नहीं, चाहे कितनी बार भी आप वीडियो देख लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी तो बहुत ईजी चीज़ लग रही है, यही पूछता भी है, ठीक है, नोट्स बनाना है इसके, आ जाओ। तो एटॉमिक नंबर 6 हो गया, कार्बन का एटॉमिक मास 12 हो गया, पोजीशन की बात हो गई, नॉन मेटल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जरा चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, छोटे थे बचपन में क्या सीखे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे लिखते हैं? तो 2, 4 ऐसे लिखते थे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2, 4 हो गया, 6 हो गए। आउटर मोस्ट इसको कहते थे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने आए? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आए 4। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 हैं तो यहीं से वैलेंसी, एक मिनट वैलेंसी पे चलेंगे, लेकिन पहले जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूसरा भी देख लें। 1s2, 2s2, 2p4, ठीक है, 4 हो गया, 2 हो गया, सॉरी, ठीक है। तो ये आउटर मोस्ट में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अच्छा, आउटर मोस्ट में अगर 4 है तो वैलेंसी भी इसकी 4 ही होगी। वैलेंसी क्या होती है बच्चों? कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसकी कंबाइन करने की या बॉन्ड बनाने की क्षमता क्या है, रिएक्ट करने की क्षमता क्या है, उसी को आप कहते हैं क्या? वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी होगी 4, ठीक है। तो कार्बन क्या है? 4 से ज़्यादा वैलेंसी होती भी नहीं किसी भी एलिमेंट की, तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, मतलब इसकी वैलेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है भाई। तो वैलेंसी 4 हो गई, मतलब ये सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाता है, इतना बॉन्ड बना के इतने कंपाउंड बनाता है कि आप एक सेपरेट ब्रांच बना दिए इसके लिए, क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है भाई। चलिए तो वैलेंसी हो गई आपकी ये 4। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ लोग को अगर आता होगा ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको पता होगा
कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, जब कोई एलिमेंट कोई कंपाउंड बनाता है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लिया या दिया है, गेन किया या लॉस किया है, उसी से उसी को कहते हैं आप ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, कोई अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उस पर क्या चार्ज आएगा, माइनस। कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उस पर क्या चार्ज आएगा, प्लस। तो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे अगर कार्बन की, तो ये माइनस फोर से प्लस फोर तक जाता है। ठीक है भाई, इसका यहाँ से यहाँ तक वेरी करता है, जीरो भी हो सकता है, माइनस टू भी हो सकता है, प्लस टू भी हो सकता है, मतलब इनके बीच में रहेगा। ठीक है, तो भाई ये हो गई छोटी छोटी बातें। अब इस पर ज़रा एलोट्रॉप्स देखते हैं। ठीक है, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं कार्बन के, बता सकते हैं, व्हाट आर एलोट्रॉप्स? एलोट्रॉप्स किसी भी एलिमेंट के नेचर में पाए जाने वाले फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो नेचर में पाए जाने वाले फॉर्म को आप कहते हैं एलोट्रॉप। कार्बन के एलोट्रॉप कितने होते हैं, बहुत सारे पढ़े होंगे, आइए देखते हैं। एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप क्या बताया ना, नेचर में पाए जाने वाले प्योरेस्ट फॉर्म। ठीक है, आइए, तो एलोट्रॉप हो गए इसके दो बेटा, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। ठीक है, एमोर्फस, तो जो रेगुलर स्ट्रक्चर हो जिनका, उनको आप क्रिस्टल कहते हैं, क्रिस्टलाइन कह सकते हैं। एमोर्फस क्या होते हैं, इररेगुलर शेप, ज्योमेट्री वगैरह होता है। ठीक है, अरेंजमेंट होता है। आइए पहले क्रिस्टलाइन में देखते हैं। पहला होता है आपका डायमंड। डायमंड इज अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, डायमंड। दूसरा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। तीसरा आपका बकमिंस्टर फुलेरीन, पढ़े होंगे, फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, बकमिंस्टर फुलेरीन। ठीक है, इन तीनों का ही एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इस वजह से इनको क्रिस्टलाइन फॉर्म कहा जाता है। ठीक है, आइए एमोर्फस में चलते हैं। एमोर्फस में आपका पहला है कोल, सुने होंगे कोयला। ठीक है, चार तरह का होता है, कोल हो गया आपका। दूसरा हो गया लैंप ब्लैक, लालटेन देखें गाँव पे, दिया जलाए हैं जो करीखा टाइप काला जमता है लैंप लालटेन पे, उसको आप क्या कहते हैं, लैंप ब्लैक। ठीक है, काजल, काजल जिससे बनता है। चलिए तीसरा हो गया आपका चारकोल, चारकोल। चारकोल में हो गया दो तरीके का, वुड चारकोल और एनिमल चारकोल, और एक आपका होता है कोक। कोक क्या है, प्योरेस्ट आप कह सकते हैं एक तरीके से एलिमेंटल फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह आपको पढ़ना है, एक रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन कराता है, दैट इज़ कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो कोक को आपके सिलेबस में इतना ही है कि ऐसा एक एलिमेंटल फॉर्म ऑफ कार्बन या एलोट्रॉप ऑफ कार्बन जो कि यूज़ किया जाता है क्या, रिडक्शन कराने के लिए। आप मेटलर्जिकल प्रोसेस में पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ जब आएगा तब देखेंगे बेटा। चलिए फिलहाल ये हो गए आपके, तीन हो गए क्रिस्टलाइन और ये चार हो गए एमोर्फस। ठीक है, इनमें कोई रेगुलर ज्योमेट्री अरेंजमेंट नहीं होता इनका, इस वजह से कहा जाता है इनको एमोर्फस। ठीक, फिर से वही लिख लीजिएगा। ठीक, अच्छा ये देखिए यहाँ पे चारकोल है, चारकोल, वुड चारकोल, एनिमल चारकोल, वुड पे, लकड़ी में, प्लांट, तो उनमें जो कार्बन का पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड वुड चारकोल, और एनिमल में आपके अंदर, हमारे अंदर, सबके अंदर, हर तरह के एनिमल के अंदर जो भी कार्बन पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एनिमल चारकोल। ठीक, ये हो गया, चलिए इसको रब कर देते हैं। कभी भी ऑर्गेनिक पढ़िएगा तो हमेशा लिख के, आपको लाख ऑर्गेनिक आता है, हम बता रहे हैं बार बार कि भाई आप लिख के ही पढ़िएगा उसको कभी भी। अभी तो लाइट है, आगे देखेंगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, आपको शायद टफ लगता जाए अगर आप सीक्वेंस में नोट्स बना के नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको टफ लगेगा, और जो सीक्वेंस में नोट बना के पढ़ेंगे ना, चुटकी बजाते आंसर निकालोगे बेटा। चलो ये हो गया, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना ही है तो एक बार एक डेफिनेशन लिख भी लेते हैं, तो लिखेंगे द ब्रांच, लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री
इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन आपको शुरू में हमने लिखवाया, ठीक है, कि कार्बन जहाँ मेन एलिमेंट हो, ऐसा कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड जहाँ कार्बन मेन एलिमेंट हो उसके साथ साइड एलिमेंट वो सारे हों, ठीक है। तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। अब क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ने जा रहे हैं तो कार्बन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हेडिंग डालेंगे बेटा कि कैसे कैसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं कार्बन को स्टडी के दौरान, आइए देखते हैं। तो लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं, कार्बन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हेडिंग रहेगी। आइए देखते हैं इसमें सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन। कार्बन को रिप्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके दिए गए हैं, ठीक है। आइए सबसे पहला होता है बेटा लुईस सिंबल, सुना होगा आपने लुईस सिंबल। लुईस कौन थे? जिन्होंने ऑक्टेट रूल दिया था, ठीक है, कि कोई भी एलिमेंट कंबाइन करता है तो अपना आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो वो लुईस थे, इन्होंने कुछ बताया कि भाई लुईस सिंबल क्या है। तो दो तरीके का इन्होंने रिप्रेजेंटेशन बताया था, पहला था डॉट, दूसरा क्रॉस, ठीक है भाई, डॉट लुईस सिंबल और क्रॉस लुईस सिंबल। अब पहला जैसे क्या था इसका सिग्निफिकेंट, आपका एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ लुईस सिंबल, डॉट और क्रॉस सिंबल, ठीक है, इसका इसकी क्या महत्वपूर्णता है, ठीक है। तो भाई क्या आप कह सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हुआ, एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हो ना, इसके अराउंड जितने डॉट बने हों या जितने क्रॉस बने हों, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डॉट बना होगा या क्रॉस बना होगा, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो उस एलिमेंट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था, आंसर क्या होगा कि लुईस सिंबल का सिग्निफिकेंस क्या है, कि अगर कहीं भी सिंबल लिखा है तो सिंबल के अराउंड जितने डॉट या क्रॉस लगे होंगे वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर इस एक्स की बात करेगा तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको, देखिए कितने डॉट दिख रहे हैं, चार इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, ठीक है। ये कोई वाई है, एक्स वाई जेड कोई सिंबल नहीं है, ऐसे लिख रखे हैं, ठीक है। तो भाई ये वाई है, एक दो तीन, तीन क्रॉस दिख रहे हैं, डॉट हो चाहे क्रॉस हो, तो तीन इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, ठीक है। इसमें देख रहे हैं आप, ठीक है, कितने हैं डॉट, पाँच, तो इसके आउटर मोस्ट में पाँच इलेक्ट्रॉन। चलिए कभी भी किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता है तो क्या आप उसकी वैलेंसी बता सकते हैं? देखिए वैलेंसी कैसे बताएंगे, अगर आउटर मोस्ट में चार है तो चार ही है वैलेंसी, चार तक है तो चार ही है वैलेंसी, चार से अगर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में तो आप उसको आठ से माइनस कर देते हैं तो वैलेंसी आ जाती है। चलिए तो भाई क्या है यहाँ पे, देखिए चार इलेक्ट्रॉन है इसमें, हमने कहा जहाँ तक चार तक अगर होंगे इलेक्ट्रॉन तो वही होगी वैलेंसी, इसकी वैलेंसी चार, इस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी होगी, देखिए तीन है ना, तो इसकी वैलेंसी तीन ही होगी। इसकी वैलेंसी देखिएगा, इसके आउटर मोस्ट में आपको पाँच दिख रहे हैं तो कभी भी वैलेंसी चार से ज़्यादा किसी की भी नहीं होती, किसी भी एलिमेंट की। तो ये पाँच दिख रहे हैं बेटा, तो आउटर मोस्ट में चार से ज़्यादा हो गए तो आप आठ से माइनस करिए, आठ में से पाँच घटा देंगे तो आएगा आपका तीन, यानी इसकी भी वैलेंसी तीन हुई, ठीक है, वैलेंसी निकाल लेंगे। वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब बताइएगा इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाने की किस एलिमेंट की क्षमता है, कैपेसिटी किसकी है, एक्स की, ठीक है। एक्स हो सकता है कार्बन हो, क्योंकि आपने देखा कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, चार होती है, वो चार बॉन्ड बनाता है, चार से ज़्यादा किसी की नहीं होती, टेट्रावेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, एनसीईआरटी में आपके हेडिंग दिया है उसमें बताया है सारी बातें, ठीक है। चलिए ये हो गया, आइए तो मान के चलिए अगर आपको कार्बन का लुईस सिंबल बनाना है तो क्या करेंगे, देखिए कार्बन सिंबल होता है सी से, रुकिए सी से हो गया ये, कार्बन के आउटर मोस्ट में चार होते हैं अभी बताए थे आपको कुछ देर पहले, तो एक दो तीन चार, आप चार डॉट बना सकते हैं या फिर
आप चार क्रॉस भी बना सकते हैं। ये दोनों ही सिंबल लुईस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है, लेकिन अगर कहीं पाँच डॉट तीन डॉट ये सब हो गया तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको पता चलता है कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। उस एलिमेंट का सिंबल चाहे एक्स वाई जेड हो, एलिमेंट का नाम पता हो ना पता हो, लेकिन आप उसकी वैलेंसी सिंबल देख के ज़रूर बता देंगे। ठीक है भाई, चलिए ये लुईस का सिंबल हो गया। इसमें एक छोटी सी बात और है, क्या है आइए देखते हैं क्वेश्चन करके। चलिए मान लीजिए आपको मीथेन का बनाना है लुईस सिंबल, बहुत छोटी बात है लेकिन ध्यान दीजिएगा, नोट्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए CH4 है, तो भाई इसमें जो नंबर में कम होता है वो सेंट्रल एटम होता है। केमिकल बॉन्डिंग जब आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन है एक, कार्बन एक है, हाइड्रोजन चार है, जो नंबर में कम है वो सेंट्रल एटम। चलिए इसके आउटर मोस्ट में कितना हुआ, एक दो तीन चार, चार बना दिया हमने। ठीक है, हाइड्रोजन बताइए इससे कितने लगे हुए हैं, चार। हर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, तो चलिए हम यहाँ पे चार हाइड्रोजन इसके अराउंड लगा रहे हैं क्योंकि CH4 का क्या बना रहे हैं, लुईस सिंबल। चलो तो भाई क्या है, हर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन। चलो एक इलेक्ट्रॉन ध्यान रहे, अगर ये एलिमेंट इससे जुड़ा है, मतलब कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो अगर कार्बन के आपने डॉट से दिखा दिए तो उससे जुड़ने वाले सभी के किससे दिखाएंगे, क्रॉस से। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक 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 और एक। चलिए हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है, डुप्लेट दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करता है आउटर मोस्ट में, तो ये दो दो लेके स्टेबल हो गया। अब कार्बन क्योंकि आउटर मोस्ट में चार था, इसको चार बॉन्ड बनाने थे, वैलेंसी चार होती है। ठीक है, तो ये इन चारों के साथ, चार इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लिया। अब ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के सर्कल में दो इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे, हर हाइड्रोजन के सर्कल में आ रहे हैं। कार्बन के सर्कल में देखिएगा टोटल आठ इलेक्ट्रॉन होंगे, जिनमें से चार इसके और चार हाइड्रोजन के। ठीक है भाई, तो ये लुईस सिंबल आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आप एक करके देखिएगा क्वेश्चन, इसको रब कर दे रहे हैं। आइए एक क्वेश्चन है कि ये CH3 और ये फिर CH3, ठीक है, इसका आप बनाइए, एक साथ है जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका आप बना, इथेन कहते हैं, इसका बनाना है आपको लुईस सिंबल। तो कैसे बनाएंगे, एक बार ट्राई जरूर करिएगा, हमें लगता है आप गलत करेंगे। ठीक है, ट्राई कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके कर लीजिएगा ट्राई, हम बना के दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, ये कार्बन, बगल में कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है भाई, चलिए दिख रहा है, हो गया कार्बन तीन हाइड्रोजन, कार्बन तीन हाइड्रोजन। अब क्या करना है आपको, लुईस डॉट या क्रॉस स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको इसके इलेक्ट्रॉन्स लगाने पड़ेंगे। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने, चार। ठीक है, चार डॉट लगा दे रहे हैं, लगा दे। तो आप चार क्या लगाएंगे, बगल वाले की क्या लगाएंगे, क्रॉस। देखिए अगर इसके इलेक्ट्रॉन डॉट से आपने दिखाए हैं तो इससे जुड़ने वाले सभी के क्रॉस से दिखाएंगे। ठीक है, इससे जुड़ा कौन है, तीन हाइड्रोजन, तीन ही बॉन्ड तो बनाता नहीं है, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है ना, तो चौथा बॉन्ड किससे बनाया है, कार्बन से। ठीक है, तो भाई ये कार्बन एक बॉन्ड इससे बनाया है, एक इससे, एक इससे, एक इससे, ये टेट्रावेलेंट, यानी कि चार बॉन्ड इसके कंप्लीट हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, आइए तो चार इलेक्ट्रॉन इसके, एक इलेक्ट्रॉन इसका, देखिएगा दोनों जुड़ रहे हैं ना, तो एक डॉट से तो एक क्रॉस से, क्रॉस से, क्रॉस से। कुछ बच्चे अगर ट्राई किए होंगे तो ज़रूर ये गलती किए होंगे कि इसका डॉट तो इसका भी डॉट से बना दिए होंगे, नहीं, इसका क्रॉस से बनाना है आपको। क्यों बनाना है क्रॉस से, बता सकते हैं, अभी हमने क्या कहा, ये कार्बन दोनों जुड़ रहे हैं ना आपस में, जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो एक जुड़ा है दूसरे से, तो एक का डॉट अगर दिखा दिया तो दूसरे का क्या दिखाना है, क्रॉस। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका, ये डुप्लेट देखिए, डुप्लेट हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करता है, कर लिया। ठीक है, अच्छा ये देखिए, ये कार्बन से इधर एक बॉन्ड बनाएगा, कार्बन देखिए अपना ये कंप्लीट कर रहा है ऑक्टेट, ध्यान दीजिए ये कार्बन है, इसके सर्कल में देखिएगा चार इलेक्ट्रॉन डॉट होंगे तो चार क्रॉस चाहिए, चार क्रॉस आ रहे हैं क्या, बस यहीं पे कुछ लोग गलती किए होंगे, देखिए चार क्रॉस आने ही चाहिए बिल्कुल, आप लोग यहाँ डॉट अगर लगा दिए होंगे तो बेटा गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ देखिएगा, इस कार्बन की बात करेंगे तो इसके पास क्रॉस से आप दिखाएं तो इससे जुड़ने वाले सभी के डॉट से दिखाएंगे, तो डॉट 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 और बगल में एक डॉट है भी। ठीक है,
आइए, ये हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट किया, डुप्लेट कंप्लीट किया, डुप्लेट कंप्लीट किया, ठीक है। अब इस कार्बन की बारी, इसके क्रॉस हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये डॉट वाले चार से बॉन्ड बनाएगा। डॉट वाले चार दिख रहे हैं इसके बगल में, देखिए ये बन गया आपका इथेन, कहते हैं इसको बेटा, नेमिंग आपको जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे ये इथेन गैस है, ठीक है। तो इथेन का ये लुइस सिंबल हो गया, ठीक है, क्लियर। चलिए एक और बना लीजिए, CH3, यहाँ पे हमने लगा दिया OH, यहाँ हमने लगा दिया CH2, ठीक है। इसका आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया, अगला है बच्चों इस रिप्रेजेंटेशन में सेकंड पे चलते हैं। तो सेकंड है डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन, कुछ नहीं है इसमें, डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन, आइए देखते हैं। कहते क्या है कि कार्बन और कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाएं तो आप एक डैश लगाते हैं, ठीक है। जब डबल बॉन्ड बनाएं तो जाहिर सी बात है दो बॉन्ड बनाएंगे, दो डैश लगाएंगे, ठीक है। और जब ट्रिपल होगा तो ट्रिपल डैश, ठीक है। तीन बॉन्ड से ज़्यादा नहीं बनते, केमिकल बॉन्डिंग में आप देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा इस बात को कि सिंगल बॉन्ड के लिए ये सिंगल बॉन्ड के लिए आप सिंगल डैश, डबल बॉन्ड के लिए डबल डैश, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए ट्रिपल डैश, ठीक है। जनरली आप इसको अल्केन, अल्कीन और अल्काइन कहते हैं, ये बात की बात है, नॉमेनक्लेचर में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल बस इतना जानिए कि डैश लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये डैश माने बॉन्ड होता है, ठीक है। चलिए आइए लिख लिए इसको, तो तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म, ये सब आपके एनसीईआरटी में इस पर भी क्वेश्चन दिया है, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हैं। कहते क्या, जैसे आपने मीथेन ऐसे लिखा ना, तो इसको आप एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं। कार्बन है, अभी आपने देखा था हाइड्रोजन, एक एक बॉन्ड बनाया था, ठीक है, तो एक एक बॉन्ड बनाया था, तो आप ऐसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। ये मार्स गैस यानी मीथेन का एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, ठीक है। इथेन आपने देखा अभी, हमने थोड़ी देर पहले ऐसे बनाया था, तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है ना, क्लियर। तो ये एक्सपेंडेड। अगला होता है आपका कंडेंस्ड फॉर्म, इसको रब कर दे रहे, कंडेंस्ड फॉर्म, ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्म। देखिए कुछ नहीं, ये एक्सपेंडेड है ना, बस ऐसे में जब आप बॉन्ड नहीं बनाते हैं तो इसको कहते हैं क्या, कंडेंस्ड फॉर्म। यहाँ बॉन्ड सारे मेंशन किए हैं, सारे बनाए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने बनाया नहीं है, कोई भी बॉन्ड नहीं बनाते, इस वजह से इसको कहा जाता है क्या, कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, कंडेंस्ड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। चलिए सारे बॉन्ड अगर दिखा रहे हैं, हाइड्रोजन के भी बॉन्ड दिखा रहे हैं, तो आपका होगा एक्सपेंडेड, नहीं दिखा रहे हैं तो कंडेंस्ड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला है बच्चों फोर्थ, फोर्थ नहीं फिफ्थ होगा ना, पहला था लुइस, दूसरा डैश लाइन, तीसरा एक्सपेंडेड, चौथा कंडेंस्ड, तो फिफ्थ है आपका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बच्चों को नहीं आता बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए इसमें लिख दे रहे हैं छोटी सी बात कि कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब विच आर अटैच्ड टू कार्बन, इसको ब्रैकेट में लिख दे, आर नेवर रिटन, ठीक है। इस रिप्रेजेंटेशन में ना तो कार्बन को लिखा जाता है, ना तो कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को, ठीक है, कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को नहीं लिखते, बाकी हाइड्रोजन को आप लिख सकते हैं, कोई ऐसा हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से अटैच है या किसी और एलिमेंट से अटैच है, उसको लिखना जरूरी है, ठीक है। आइए दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, ओनली बॉन्ड्स
बॉन्ड बिटवीन कार्बन चेन इज रिटन और डिजाइंड, डिजाइंड भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कार्बन चेन इज रिटन इन zigzag मैनर, इन zigzag मैनर, zigzag मैनर में बनाते हैं, बचपन में बनाया होगा zigzag मैनर, ऐसे कुछ देखो सीनरी बनाते हैं ना बचपन में, ऐसे कुछ पहाड़ वगैरह, ठीक, यहाँ आइस गिरा देते हैं थोड़ा सा, क्यों, नदी निकाल देते हैं, घर बना देते हैं, मतलब ये सब नहीं करना है इसमें, केवल और केवल आपको क्या करना है, ये जो शुरू में बनाया ना हमने, ये है zigzag, ठीक है, तो zigzag मैनर में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन चेन बनाना है। चलिए आइए, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखा है CH3, CH2, CH2, CH3, ऐसा कुछ लिखा है, तो पहली लाइन पढ़िए, ना तो आपको बॉन्ड लाइन बनाते वक्त कार्बन को मेंशन करना है, ना ही कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को, तो ना तो कार्बन को बनाना है आपको और ना ही इनसे जुड़े हाइड्रोजन को, कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है तो आपको एलिमेंट लिखना नहीं है, केवल और केवल क्या करना है, ओनली बॉन्ड बनाना है कार्बन चेन का, तो कार्बन चेन आपको दिख रही है, इसमें टोटल कितने कार्बन है जरा देखिए, 1, 2, 3, 4, चार कार्बन है ना बेटा, तो इन चार कार्बन के बीच में देखिए पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड, कितने बॉन्ड दिखे, 3 बॉन्ड, इन 3 बॉन्ड को zigzag मैनर में बनाएंगे, पहला बॉन्ड कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, ऊपर से चाहे नीचे से, नीचे से शुरू कर रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा, दिख रहा है, पहला बॉन्ड दूसरा बॉन्ड तीसरा बॉन्ड, देखिए ये बॉन्ड बनाए हैं zigzag मैनर में, पहला दूसरा और ये तीसरा, टोटल आपके ये दिख रहे हैं 3 बॉन्ड, ठीक है, अब ये चीज भूल जाइए, इसको भूल जाओ, ठीक है, जरा इसको टैली करो, इससे क्या आप वो निकाल पा रहे हैं, देखिए यहाँ कार्बन होगा इतना, ये बॉन्ड लाइन, ठीक है, तो यहाँ कार्बन होगा, लिखते नहीं हैं, बता रहे हैं आपको, कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, कल को मान लीजिए नहीं दिया आपको हाइड्रोजन निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, काउंट कैसे करेंगे, ये कार्बन देखिए एक बॉन्ड बना रखा है, टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है ना, एक बॉन्ड बना रखा है, कितने और बने होंगे, 3, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन आप लगाएंगे, 3 यहाँ आ गया हाइड्रोजन, चलिए देखिएगा ये कार्बन लेफ्ट राइट मिला, ये कितने बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड, कितने बॉन्ड की कमी है, 2, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है, ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है, 2, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड की कमी, 2 की, तो 2 हाइड्रोजन होगी, जितने बॉन्ड की कमी होगी उतना हाइड्रोजन लेके चलते हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है, कि कहीं भी कार्बन को कमी ना पड़े, हाइड्रोजन हमेशा रिजर्व मटेरियल रहे, ठीक है ना, आइए ये कार्बन है बेटा, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, ठीक है, एक बॉन्ड बनाया था ना, तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए, तो अब देखिए वो ना दिया हो आपको हाइड्रोजन पूछ ले, तो आप काउंट कर सकते हैं, 3 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 2 यहाँ, कितने हो गए, 5 और 5 10, इसमें हो गया 4 कार्बन और टोटल 10 हाइड्रोजन, आप इससे टैली कर लीजिए, 10 आ रहा होगा, ठीक है, क्लियर है, निकाल लेंगे। अच्छा, कोई कहे अगर आपसे कि कैसा ये स्ट्रक्चर है, ये ओपन चेन है कि क्लोज चेन है, मतलब कल को हम ऐसे बना दें कोई स्ट्रक्चर, CH2, 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 और यहाँ बॉन्ड से इसको जोड़ दें, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 4 कार्बन है और चारों कार्बन देखिए एक रिंग बना रहे हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं क्लोज्ड स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं, क्लोज्ड या रिंग स्ट्रक्चर, और क्योंकि ये पहला और आखिरी, यानी पहला और चौथा कहीं बॉन्ड तो बनाया नहीं आपस में, तो वो ओपन चेन स्ट्रक्चर है, और यहाँ देखिए पहला अगर इसको मानिए तो ये दूसरा तीसरा चौथा, चाहे तो इसको दूसरा मानिए वो चौथा, ठीक है, जो भी है यहाँ पहला और आखिरी बॉन्ड बना रखे हैं आपस में तो ये क्लोज्ड हो गया, और यहाँ पहला और आखिरी बॉन्ड नहीं बनाए हैं तो ये ओपन चेन हो गया, ठीक है, जहाँ से चले वहीं आ गए तो रिंग स्ट्रक्चर। तो रिंग स्ट्रक्चर में कैसे आप बनाएंगे बॉन्ड लाइन, ये बॉन्ड लाइन तो है नहीं, इसमें कार्बन लिखा हुआ है, ठीक है, बॉन्ड लाइन में तो कार्बन लिखते नहीं है, बताइए, केवल बॉन्ड बनाते हैं ना zigzag मैनर, आप साइक्लिक में zigzag नहीं बना सकते, आप ऐसे बनाते हैं, ठीक है भाई। चलिए आइए, अगर देखिए अगर हम ऐसे बना दें तो बता सकते हैं इसमें कितने कार्बन कितने हाइड्रोजन है, देख लीजिए आराम से बताइए और लिख लीजिएगा सारा पॉइंट, तब तक रब कर दे रहे हैं। कितने कार्बन आ रहे हैं हाइड्रोजन, काउंट करिए, चले आज देखो
पहला ये कार्बन होगा यहाँ पे, फिर टिप पे एक कार्बन होगा, फिर नीचे आए तो यहाँ कार्बन होगा, फिर ऊपर गए तो यहाँ कार्बन होगा, फिर नीचे आए कार्बन, फिर ऊपर गए कार्बन, दिख रहा है? बताइए कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, 6 हो गए। बताइए ये एक बॉन्ड बनाया है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन होंगे, ये 2 बॉन्ड बनाया तो यहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ 2 बॉन्ड बनाए तो 2 हाइड्रोजन, 2 बनाए तो 2 हाइड्रोजन, 2 बनाए तो 2 और हाइड्रोजन, यहाँ 1 बनाए तो 3 और हाइड्रोजन, क्यों? कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, ठीक है? चलिए आइए, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 और 3 14 हो गए टोटल, क्लियर है? देख लीजिए आ गया। आइए अगर मान लीजिए कल कोई स्ट्रक्चर ऐसा बना दे कुछ साइक्लिक में, क्या है ये? बेंजीन? नहीं, बेंजीन थोड़ी है। आप देखो ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, ये बॉन्ड लाइन था, कार्बन हटा दीजिए तो ये बॉन्ड लाइन है, तो कार्बन टोटल कितने हो गए? 6 कार्बन हो गए। जरा देखिएगा हाइड्रोजन कितने हैं, काउंट करिए। आइए, 2 बॉन्ड बना रखा है, 2 और, तो यहाँ 2, सभी के पास 2 की कमी है तो सभी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है? तो क्या हो गया, C6 और जोड़ लीजिए, टोटल हो गए 12 हो गए, क्लियर? तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को इसका कहे तो आप कैसे बनाएंगे? सिंपली ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ठीक है? क्वेश्चन सब एनसीईआरटी में दिया है, जब भी पढ़िए एनसीईआरटी निकालिए, क्या एनसीईआरटी से हमने पढ़ाया है, तुरंत देखिए कितने क्वेश्चन दिए हैं, सॉल्व कर दीजिए आज का आज ही, ठीक है? चलिए वहीं उसी बुक में सॉल्व किया करो, एनसीईआरटी में। चलिए ये हो गया। आइए अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना दीजिए, मान लीजिए रिंग बनाया हमने, यहाँ पे एक बॉन्ड बना दिया, ठीक है? यहाँ मान लीजिए हमने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, 3 डंडा माने ट्रिपल बॉन्ड। आइए देखते हैं जरा, यहाँ कार्बन होगा, कार्बन 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 कार्बन, तो कार्बन तो अभी भी 6 है, जरा हाइड्रोजन निकालिएगा, ये कार्बन देखिएगा, ये कार्बन 3 बॉन्ड इधर बना रखा है, 1 बॉन्ड इधर बना, 4 बॉन्ड कंप्लीट है, हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 बॉन्ड इधर बना रखा है, 1 ऊपर, 4 बॉन्ड कंप्लीट है, ये दोनों के बॉन्ड कंप्लीट है, हाइड्रोजन नहीं होगा। ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन, ठीक है? ये कार्बन देखिएगा 2 बॉन्ड इधर 1 बॉन्ड ऊपर, 3 बना रखा है ना तो 1 हाइड्रोजन और, ये भी देखिए 2 बॉन्ड ऊपर 1 बॉन्ड नीचे 1 हाइड्रोजन, ठीक है? तो भाई लगा दिए, अब हाइड्रोजन काउंट कर लीजिए, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, टोटल कितने हो गए? 6, क्लियर है? देखिए आ रहा है, तो C6H6 ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन का फॉर्मूला भी यही होता है लेकिन कुछ स्ट्रक्चर अलग होता है। आइए देखिए क्या होता है उसमें, अल्टरनेट पोजीशन समझते हैं। एक डबल बॉन्ड है तो एक छोड़ के फिर अगले पे डबल बॉन्ड होगा, फिर एक छोड़ के अगले पे डबल बॉन्ड होगा, फिर एक छोड़ के अगले पे, देखिए डबल बॉन्ड है ना, तो इसे कहते हैं बेटा कॉन्जुगेशन। इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है? कॉन्जुगेशन। अल्टरनेट पोजीशन जहाँ पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कॉन्जुगेशन, टर्म यूज़ किया जाता है कॉन्जुगेशन, ठीक है? और जहाँ भी कॉन्जुगेशन होगा वहाँ पे एक और चीज़ आएगी, रेजोनेंस, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसको पढ़ के समझिएगा, हम भी पढ़ाएंगे इसको आगे, ठीक है? तो कॉन्जुगेशन जहाँ है वहाँ रेजोनेंस है, मतलब बेंजीन में एक तरह का रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस माने कुछ नहीं, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, थोड़ा बड़ा वर्ड अभी लग रहा होगा, आगे देखेंगे इसको, ठीक है? तो यहाँ पे एक तरह का मूवमेंट हो रहा होता है, इस वजह से कभी कभी आपने देखा होगा बेंजीन को ऐसे भी बनाया जाता है, ठीक है? सर्कल में बना दिया जाता है, ठीक है? तो ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, बेंजीन ही कहलाता है, ठीक है? चलिए इसके बाद देखते हैं जरा इसका फॉर्मूला, सी टोटल कितने आ रहे हैं? 6, C6, ठीक है? हाइड्रोजन काउंट करेगा हर जगह एक है, मतलब C6H6, ठीक है? तो ये हो गया आपका बेंजीन, ठीक है? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ पे आपका ख़त्म होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक? ओके, क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है बेटा?